जो भाव लेके आते हैं वो भाव का ही कट्टे बोरे भर के लेके जाते हैं। और सच बताऊं तो आप घर से तो बिना नहाए ही आते हो, है कि नहीं? सही है ना? अच्छा, बिना नहाए आए कौन आए बताओ? ना कि आए सब लोग? नहीं नहाए ना? नहीं नहाए शायद, सब लोग नहीं नहाए। हाँ, तो सच तो यही है, आप समझदार हैं। बिना नहाए घर से आते हो, यहां से नहा के ही जाते हो। भगवान के नाम के अमृत का प्याला पी करके, तरोताजा होकर के, और भगवान के नाम के फुहारे के नीचे बैठ करके, स्नान करके, यहां से लबालब तरातर होकर के घर पे वापस जाते हो। मैं देखता हूं जब आप लोग आते हो तो लटके हुए, पटके हुए, मुंह बनाते हुए आते हो, और जब यहां बैठते हो तो बस हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और आनंद मगन होते रहते हो। यही तो अंतर है। कथा में हमारी मुस्कान हो जाती है, कथा में हमारी थकान मिट जाती है, कथा में तरोताजा बनाती है। इसलिए तो आते हैं। ये तो किसी के पास टाइम है क्या? किसने बुलाया आपको? क्यों आए? कुछ मिलेगा तब तो आई ना। मंदिर में क्यों जाते हैं? बिना बुलाए जाते हो ना। चलो आज एकादशी है, आज पूर्णमासी है, आज अमावस्या है, ये आज अष्टमी है, आज सोमवार है, आज मंगलवार है, कुछ लेने जाते हो ना, तो बस वहां भी यही दरबार है, ये भी सब कुछ यही मिलता है। यहां आओगे तो सब कुछ मिलेगा। ये दरबार निराला है। दरबार हजारों देखे पर ऐसा कोई दरबार नहीं। घरवार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई घरवार नहीं। कितने परिवार मिलकर की कथा में आते हैं, सब एक ही घर के हैं, एक ही घर में आते हैं। चाहे यहां से जाने के बाद अलग 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 घर में रहते होंगे, रहते ही हैं, लेकिन यहां तो सब सब अलग अलग घर वाले भी एक घर के हो जाते हैं। ये दरबार है ही ऐसा। ये दरबार सबके लिए है, किसी के लिए अलग नहीं, सबके लिए है। परमात्मा का, महादेव का दरबार ही एक ऐसा दरबार है जो सबके लिए खुला है। रात में भी खुला है, दिन में भी खुला है, जब आओ तब खुला है। प्रेम से कहिए ओम नमः शिवाय, हर हर। हाँ, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, ये जीवन संगीत है, स्वर से स्वर मिलाते रहो। हम सब एक होकर के स्वर में भगवान की स्तुति वंदन करते हैं, तो वो हमारी क्यों नहीं सुनेगा? सबकी सुनते हैं। सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि प्रभु, मैं बिल्वपत्र की महिमा जानना चाहता हूं। क्या है बिल्वपत्र? क्यों चढ़ाया जाता है शिव के ऊपर बिल्वपत्र? ये जान लीजिए। बिल्व पत्र का जो वृक्ष होता है ना, ये साक्षात शिव का ही स्वरूप है, साक्षात महादेव है बिल्व पत्र का वृक्ष। जो लोग बिल्व पत्र की वृक्ष के नीचे उस छाया में बैठ करके शिव की आराधना करते हैं, ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, या शिव 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 का निरंतर जप करते हैं, महादेव उनका हाथ पकड़ करके कहते हैं कि बेटा अब तू मेरा बन गया और मैं तेरा होगा, अब तेरे पास कभी कमी आने नहीं दूंगा। इसलिए महादेव की साधना
आराधना भाव और श्रद्धा से करिए। बिल्व वृक्ष में श्रद्धा पूरी महादेव की ही रखिए। बिल्व वृक्ष के वृक्षरोपण करिए। कम से कम 11 बिल्व पत्र के वृक्ष लगाइए। किसी अपने घर में ही लगा लो, घर में नहीं तो किसी पार्क में लगा लो, किसी मंदिर में लगाया हो, लेकिन लगाओ जरूर। बिल्व पत्र का वृक्ष लगाने से, रोपण करने से व्यक्ति की घर में, वंश में वृद्धि होती है, धन धान की समृद्धि होती है, उस घर की, उस परिवार की, उस व्यापार की रक्षा स्वयं महादेव करते हैं, कहीं आ जाने की आवश्यकता नहीं है। तभी तो मैंने आपको बताया, व्यापारियों के मालिक हैं महादेव। और व्यापारी कौन होता है? व्यापारी जो होता है वही तो बनिया होता है। अभी मैंने आपको बताया, बनिया ही व्यापार चलाना जानता है। बनिया के जैसा व्यापार को चला नहीं सकता। उसके अंदर छोटी छोटी बातों की सूझ बूझ समझ है, कहां घाटा है, कहां नफा है, कितना मिलना चाहिए, कितना नुकसान है, कितना लाभ है, समझ पूरी क्यों होती है, व्यापार की समृद्धि क्यों होती है? क्योंकि महादेव उनकी व्यापार की समृद्धि स्वयं खुद करते हैं। एक हाथ सब दुनिया पर और दूसरा हाथ केवल बनिया पर, इसलिए व्यापार में उसकी समृद्धि होती है। महादेव सबका कल्याण करने वाले। देवताओं ने जाकर की स्तुति की कि हे महादेव, आप तो तीनों के लोग, तीनों लोकों के मालिक हैं। महादेव के अंदर ही समस्त तीर्थ व्याप्त हैं, स्थित हैं। आप कहीं जाओ न जाओ, केवल महादेव के मंदिर में चले गए तो आपके सारे तीर्थ हो गए। दर्शन करने के मात्र से ही, केवल जल चढ़ाने मात्र से, एक पुष्प चढ़ाने मात्र से, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, केवल पत्र और पुष्प चढ़ाने से महादेव रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। जो अति शीघ्र रीझ जाएं वही तो आशुतोष है, वही तो महादेव हैं, जो सबका कल्याण करने वाले हैं। तो बिल्व वृक्ष के मूल में जो जड़ होती है बिल्व वृक्ष की, उसमें तभी सभी तीर्थों का निवास होता है। इसलिए जहां भी बेल पत्र का वृक्ष हो, वहां नित्य प्रति जाकर के जल सिंचन करें, जल चढ़ाएं, एक दीपक जलाएं और थोड़ी देर बैठ जाएं, शिव का स्वरूप समझ करके भगवान शिव कृपा अवश्य करेंगे, उनकी कृपा जरूर होगी। जो जीव, जो लोग, जो भक्त बिल वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाता है और उस जल को माथे पर लगाता है, वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। बोलो हर हर। एक वृक्ष लगा दो, उसी की सेवा करो, उसी में जल चढ़ाओ, सारे तीर्थों का आपको फल मिल गया, सारे दानों का, पुण्यों का फल आपको मिल गया, सारे कल्याण आपके हो जाएंगे, सारे काम बन जाएंगे। और जो शिव भक्त बिल वृक्ष का गंध पुष्प आदि से पूजन करता है, वह शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। बड़ी महिमा बिल पत्र के वृक्ष की और बिल पत्र की बताई है। इस लोक में उसे सुख संपत्ति प्राप्त होती है और शिवलोक प्राप्त हो जाता है। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।